तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ गोकुल धाम सोसाइटी। ये देखो यहीं पे सबके घर हैं, जेठालाल, बबीता, आयर, बिड़े सभी के घर यहाँ पे हैं। गाइस अभी हम जेठालाल सर के घर के यहाँ पे, ये देखो, और भाई पूरी फिल्म सिटी में घूम रहे हैं हम। तो गाइस ये है जेठालाल जी का रूम का सेट, और भाई देखो बचपन से सीरियल देखता आ रहा हूँ, फाइनली यार अंदर आने का मौका मिल गया। ये देखो पूरा सेट कितना मस्त है यार। ये है जेठालाल जी की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइज ये है अब्दुल मियाँ की सोडा शॉप जहाँ पे सब बैठे होते हैं। तो गाइज ये है भाई बिड़े का स्कूटर जो कि शूट में है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होगे, तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त है। तो भाई व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फुल एनर्जी के साथ 11:30 बजे। तो गाइस आज का सीन ऐसा है, आज हम जाने वाले हैं भाई गोकुल धाम सोसाइटी आप सब लोगों को एक्सप्लोर कराने के लिए, क्योंकि भाई बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुंबई जाएंगे तो गोकुल धाम सोसाइटी आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि भाई इतना पुराना सीरियल है ना, बहुत ही फेमस सीरियल है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, तो भाई बहुत ही पुराना सीरियल है। तो वहाँ का सेट आपको एक्सप्लोर कराएंगे कैसा सेट है, और भाई बहुत ही सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, अंदर जाना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन होता, लेकिन भाई अगर आपकी जान पहचान है और वहाँ पर अगर आपकी थोड़ी बहुत बातचीत है तो आप लोग अंदर जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते, क्योंकि भाई मेन बात तो ये है आप लोग फिल्म सिटी के अंदर एंट्री ही नहीं कर सकते। और ये भी दिखाएंगे भाई फिल्म सिटी कैसी दिखती है कैसी नहीं दिखती, तो भाई थोड़ा सा ना यार अपना प्यार दिखाओ, तुम्हारा भाई इतने हटके व्लॉग ला रहा है, फिल्म सिटी के अंदर भी घुस गए यार हम। आपने पिछला व्लॉग तो देखा ही था, हमने आपको लाइव शूटिंग दिखाई थी भाई। तो चलते हैं फिर बिना देरी किए, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या दिखा सकते हैं, और भाई किसी एक्टर से मिलेंगे तो वो भी दिखाएंगे। तो निकलते हैं फिर, मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पर जाने के बाद। जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यार फिल्म सिटी में, और हमने एंटर कर लिया था, और भाई इतनी बड़ी फिल्म सिटी है ना ये, बहुत ही बड़ी। तो तुम्हारा भाई ना बहुत ज़्यादा खुश है, अपने बाल बाल सेट कर लेते हैं यार, क्या पता कोई एक्टर मिल जाए अंदर जाने के बाद, बहुत खुश हूँ मैं तो यार अंदर जाने की वजह से। गाइस एक चीज़ और, ये जो पूरी फिल्म सिटी है ना भाई 520 एकड़ के दायरे में फैली हुई है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई सेट के पास, यार मैं इतना खुश हो रहा था ना, और भाई मेरी आंखों के सामने ना भाई देखो, ये देखो लाइव शूट चल रहा है, किसी सीरियल वगैरह का शूट चल रहा है, और भाई यहाँ पे जो है ना फिल्म सिटी के अंदर हमेशा ऐसे ही शूट चलते रहते हैं। तो भाई हमें सबसे पहले जाना भाई जेठालाल के सेट के अंदर, अंदर दिखाते हैं चल के। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए भाई सेट के अंदर, और भाई ये है सोडी भाई का रूम, जो भाई वो तो मकैनिक है तो भाई वो तो डेकोरेट करके रखते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड जेठालाल जी का रूम के सेट पे आ गए हम लोग, भाई देख रहे हो कितना ही मस्त सेट है, और भाई देख रहे हो एलईडी वगैरह सब लगी हुई है, ये देखो बेड कितना खूबसूरत पड़ा है, यहीं पे भाई जेठालाल जी का शूट चलता है। और गाइस एक चीज और यार, यहाँ पे बापू जी बैठते हैं जो कि भाई मेन कैरेक्टर है, और भाई यहाँ पे इनकी जयंती लाल जी की फोटो लगी हुई है जो कि भाई इनके दादाजी रह चुके हैं। और भाई यहाँ पे जो है ना जेठालाल जी के रूम में देखो कितनी सारी तस्वीर लगी हुई है इनकी, बहुत सारी। तो भाई चलते हैं जल्दी से भाई गोकुल धाम सोसाइटी आप सब लोग को एक्सप्लोर कराने के लिए। भाई यहाँ पे तो आप सब लोग को सारी चीज़ दिखा दी भाई बारी बारी से, किसका रूम कैसा दिखता अंदर से। तो भाई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, अब जा रहे हैं उस जगह पर भाई गोकुल धाम सोसाइटी। और भाई मैं तो यार फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यार गोकुल धाम सोसाइटी, भाई मैं तो बहुत लक्की हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार मैं फिल्म सिटी में घूम रहा हूँ। और भाई यहाँ पे देखो सामने लाइव शूट चल रहा है किसी सीरियल वगैरह का, देख रहे हो ना कितने सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो शायद किसी सीरियल वगैरह का शूट चल रहा है वहाँ सामने, देखो कितने सारे लोग हैं। और भाई मुझे ना यार इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना यार, क्योंकि यार गोकुल धाम सोसाइटी जो हम भाई टीवी में देखते आ रहे हैं वो आज हम अपनी आंखों से एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इन्हें देखो कितनी तेज भाग रहे हैं यार ये, इन दोनों को तो इतनी जल्दी लग रही है कि बस जल्दी से भागो। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए यार गोकुल धाम सोसाइटी के मेन गेट पर, ये मेन गेट है भाई, चलते हैं जल्दी से अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर जाकर कैसा है। ये है भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, और ये है अब्दुल मियाँ की सोडा शॉप, और भाई यहाँ से अब पूरी सोसाइटी की स्टार्टिंग। भाई सोसाइटी में आके इतना मस्त लग रहा है ना यार, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना कि भाई फाइनली हम लोग आ गए यार गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर, जो सीरियल हम अपनी आंखों से देखते हुए आ रहे हैं वो आज हमारी आंखों के सामने।
तो फाइनली ये है भाई पूरी सोसाइटी जो कि भाई हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये देखो भाई पूरी। तो भाई फाइनली यार सोसाइटी में आके इतना अच्छा लग रहा है ना यार तुम्हारे भाई को। ये मेरे पीछे बबीता जी का घर है और भाई, और ये है भाई बिड़े का स्कूटर जो कि भाई कई बार शूट में लिया गया है। और भाई चलते हैं पूरी सोसाइटी को एक्सप्लोर करने के। तो भाई ये जो सामने ये पोपट राम का फ्लैट है भाई, कितना अच्छा लग रहा है यार पूरी सोसाइटी घूम के। तो चलते हैं भाई जेठालाल के फ्लैट पे। गाइस अभी हम जेठालाल सर के घर के यहाँ पे, ये देखो और भाई पूरी फिल्म सिटी में घूम रहे हैं हम भाई। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। तो गाइस यहाँ से जल्दी से चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं पूरी सोसाइटी किसका फ्लैट कहाँ पे। ये देख रहे हो सबके फ्लैट सामने आमने है। और ये है बबीता जी का इधर, और भाई वो है पोपट राम का, और भाई ये है भाई बिड़े विड़े के, सबके घर इधर ही है भाई। तो गाइस पूरी गोकुल धाम सोसाइटी ऐसी दिखती है यार, कितनी मस्त सोसाइटी है। तुम्हारे भाई का तो दिल खुश हो गया एकदम यार यहाँ पे आके, एकदम मैं तो खुश हूँ भाई पूरी तरह से। और भाई चलते हैं थोड़ा सा आगे भाई, पूरी सोसाइटी वगैरह तो आपको दिखाई दी है, तो थोड़ा सा हम भी घूम लेते हैं और चलते हैं भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे फोटो वगैरह शूट कर लेते हैं। तो गाइज ये शॉप है जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइज आपने इन वाले काका को तो जरूर देखा होगा भाई सीरियल में पूरे। ये है पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का मेन गेट। तो गाइज अभी हमने गोकुल धाम सोसाइटी आपको पूरी दिखाई है, ये सीधा सामने देख रहे हो पूरी गोकुल धाम सोसाइटी है। तो अब चलते हैं भाई जल्दी से घर की ओर। और ये देख रहे हो ना यहाँ पे सामने देखो लाइव शूट चल रहा है किसी सीरियल वगैरह का जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो भाई जल्दी से अब जाना हमें घर की ओर। और यहाँ पे तो आपको नॉर्मल ही है भाई लाइव शूट चलते ही रहते हैं यहाँ तो चलते हैं जल्दी से घर। तो भाई तुम्हारा भाई घूम के आ चुका है यार पूरी फिल्म सिटी, और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना यार, बहुत ही ज़्यादा। लाइक कर दो यार इसी बात पे, और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कौन कौन फिल्म सिटी आना चाहता है और किस किस ने भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखा है। और ये है भाई पूरी फिल्म सिटी जो कि भाई ये देखो यहाँ पे भी किसी न किसी सीरियल का सेट लगा हुआ है और भाई बस स्टैंड भी बना रखा है। तो भाई तुम्हारे भाई का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा है एकदम मस्त। तो भाई लाइक कर दो यार वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताना यार तुम्हारे भाई ने ना पूरी मेहनत से ये व्लॉग बनाया है। और देखो यार इतनी बड़ी फिल्म सिटी है ना यार, किसी दिन आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा बारी बारी से और एक ना एक नया सा नया शूट लाऊंगा भाई। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बता देना। तो चलते हैं जल्दी से घर की ओर। और भाई यहाँ पे देखो मुझे कुछ दिखा, ये देखो यहाँ पे सलमान खान की मूवी शूट होती है, यहाँ पे मूवी शूट होती है। ये देखो भाई कितना बड़ा सेट है, यहाँ पे कोई ना कोई मूवी का शूट चलता ही रहता है। सलमान खान की मूवी का भी शूट हुआ है इस जगह पे। ये पूरा सेट इतना बड़ा ना भाई, घूमते घूमते थक जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से घर की तरफ। और भाई फिल्म सिटी तो इतनी बड़ी है ना यार, बंदा घूमेगा ना, मैं तो यार जितना घूमा घूम ही लिया। और आपको पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का एक्सप्लोर कराया भाई, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी दिखाई है आपको। तो भाई ये देखो आपको और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी शूट वगैरह चलता रहता है। ये खाली जगह जितनी दे रखी है ना पूरी फिल्म सिटी में। और भाई ये है फिल्म सिटी का मेन गेट। तो गाइज यहाँ से एंट्री करना हर किसी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। यहाँ से एंट्री कर ली तो समझ लो आप फिल्म सिटी के अंदर पहुँच गए। तो गाइज तुम्हारा भाई आ चुका भाई गोकुल धाम सोसाइटी से घूम घाम को, और भाई वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा ना यार, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी आपको कवर कराइए। जितने भी दिखाया ना आपको कि कहाँ कहाँ आपको दिखाया भाई, जहाँ पे पूरा तारक मेहता शूट होता पूरा शूट वहीं पे चलता। और भाई वहाँ पे हम लोग किसी से इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि सारे एक्टर लोग जो है ना कहीं पे गए हुए थे, और उनमें से दो एक्टर का शूट था जो कि वो मेन एक्टर नहीं है, और जो मेन एक्टर हैं वो लोग तो भाई कहीं पे गए हुए थे, उनका शूट आज था ही नहीं। तो तुम्हारे भाई ने पूरी गोकुल धाम सोसाइटी शूट करी है, लाइव शूटिंग कैसे होती है। और भाई अंदर जाना ना इतना मुश्किल होता है फिल्म सिटी के अंदर क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन भाई वो कहते हैं ना जान पहचान हो तभी आप लोग जा सकते हो, वरना फिर अंदर जाने का 1200 रुपये चार्ज लगता है जो कि आपको बस वाला ले कर जाएगा और बाहर बाहर से दिखाएगा, नाम बताएगा ये वो वाला सेट है, ये वो वाला सेट है, ये वो वाला सेट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ने आपको पूरी गोकुल धाम सोसाइटी कवर करी है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे, क्योंकि यार तुम्हारा भाई जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और भाई देख लो जो भी भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता रहता सीरियल वगैरह देखता, जो भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भाई मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी गोकुल धाम सोसाइटी। तो मिलते हैं आपको किसी नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।